ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। बालों का जिक्र आप सब लोगों ने शायरों की गजल, कवि की कल्पनाएं और आजकल के हिंदी गानों में सुना ही होगा। मगर आज के समय में जब लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे कि स्ट्रेस, पोल्यूशन या फिर टर्मिनल इश्यूज, हेयर लॉस एक बहुत बड़ा इश्यू आज की दुनिया में है और लाखों करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। इमेजिन करें कि अगर एक मैजिक मिरर हो हमारे पास, एक ऐसा मैजिक मिरर जिसमें हम जैसा अपना लुक चाहें वैसा हम उसमें देख सकते हैं। अभी तक तो ये मैजिक मिरर एक कल्पना रहा है, लेकिन अब इस मैजिक मिरर को हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग हेयर ओरिजिनल्स, मेरा नाम पीयूष है। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा नाम आशीष है। हेयर ओरिजिनल्स इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो 100% नेचुरल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस को मैन्युफैक्चर करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर एक्सटेंशंस, जैसे परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड में रहते हैं, टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशंस जो DIY काइंड ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं, और विग्स। ये सारी कैटेगरीज को हम मैन्युफैक्चर करते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ में रहने वाली एक लड़की राधिका को अगर ये परमानेंट नेचुरल हेयर एक्सटेंशंस कराने हो तो वो सही दाम पर 100% नेचुरल क्वालिटी प्रोडक्ट कहां से ले? राधिका सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में बैठकर ऑनलाइन हमारी वेबसाइट को ओपन करती है और उसका जो भी मनपसंद हेयर एक्सटेंशन है वो चूज करती है और परचेज कर सकती है। बस यही नहीं, प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ वो इनफैक्ट सलोन भी चूज कर सकती है अलीगढ़ का, जहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन का इंस्टॉलेशन प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से। यानी कि एंड टू एंड सॉल्यूशन मार्केट के कॉस्ट से 1/3 प्राइस पर। भारत से हर साल अरबों खरबों का रॉ मटेरियल ह्यूमन हेयर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अकेला इसका एकमात्र एथिकल सोर्स है। वो एथिकल सोर्स है हमारे भारत के मंदिर, टेम्पल्स, जहाँ लोग अपने हेयर डोनेट करते हैं। हमारा विजन है कि हम इस सोर्स पे बैठ के हेयर ओरिजिनल्स को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं और दुनिया भर के कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। मैं शार्क्स के सामने जो आस्क रखना चाहता हूँ वो 60 लाख रुपए है 2% इक्विटी डाइल्यूशन पर। हम आपको एक डेमो दिखाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हुए हैं एक मॉडल पे। जरूर दिखाएंगे। जरूर, मुझे लगा आप अपने पे दिखाएंगे। ये वो तो मेरे ऑलरेडी पहन के आए ना। नहीं नहीं, ये मेरे ओरिजिनल। हाय शार्क्स, ये है मेरे बाल, अच्छे है ना? बहुत सुंदर। पर अब मैं दिखाती हूँ अपने ओरिजिनल बाल। अनुपम अपने भी निकाल दो जॉब। ये है मेरे बाल, बट बहुत पतले हैं। But thanks to Hair Originals जिसने मेरे बालों को वॉल्यूम दी। Beautiful. Welcome to Shark Tank. Thank you. पहले ये जानना चाहता हूँ कि किसके बालों से ये आइडिया निकला? मैंने IIT दिल्ली से 2008 में अपना बीटेक किया और उसके बाद 11 साल तक मैं करीब 40 देशों में मैंने काम किया। Oh, wow. स्पेशली अंगोला और फ्रांस, US, इन जगहों पे जब मैं रहा तो मेरे कलीग्स की वाइफ, उन लोगों ने मेरे से बोला कि क्या तुम इंडिया से हमारे लिए बाल ला सकते हो? तो उसके बाद मैंने आशीष, जो मेरे को फाउंडर है, IIT खड़गपुर से हैं, मैंने वहीं से इनको कॉल किया। एक छोटा सा सवाल था कि अगर तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे बाल पड़े हों तो तुम क्या करोगे? उसने कहा उठा के फेंक दूंगा। आपने फोन नहीं रख दिया? नहीं, फोन रखता, लेकिन जब मैंने अगली लाइन बोली ना कि वो जो बाहर रखा हुआ है ना वो चांदी रखी हुई है। एक्चुअली इस प्रोडक्ट की B2C कॉस्ट मार्केट में, US में, हर जगह चांदी से ज्यादा है। अरे वाह, पर ग्राम। सो ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। जब हम लोगों ने इस चीज़ को मिलकर शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कुछ चीज़ों में हमें और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाले। तो पीयूष भी मेरे एक कॉमन फ्रेंड ही रहे हमेशा से और इनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, तो वहाँ से इस तरह से हमारी कहानी शुरू हुई। हेयर कलर को ये एक्सटेंशन मार्केट रिप्लेस करेगी? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर आप, शायद आप मेरे से बेहतर जानते हो, एक जब कोई फीमेल अपने बालों पे कलर कराते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड या जो भी हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इवेंचुअली एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है। मैं आपको आंसर करूं एक क्वेश्चन, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप कलर कराती हैं? हाँ, क्योंकि
ऐसे ब्राइट कलर्स ना डार्क ब्लैक हेयर पे आना बहुत मुश्किल है, तो मेरा जैसे हमेशा से सपना मुझे रेड हेयर चाहिए, पर मेरे बाल पे रेड कलर हो ही नहीं सकता। तो आपकी अभी तक सेल कितनी रही है? तो हम लोगों ने जस्ट बिफोर कोविड यानी कि अराउंड दिसंबर 2019 से मार्केट में शुरू किया, उससे पहले 2-2.5 साल की रिसर्च। तो अगर हम इसी क्वार्टर की इसी फाइनेंशियल की बात करें तो पिछले करीब 5 महीने में हमने 2.5 करोड़ के आसपास का हमारा सेल है। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हम अराउंड 55 लाख के आसपास थे। तो इसकी आप सोर्सिंग कहाँ से करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग मिला के क्या कॉस्ट आती है, मार्जिन क्या है? ओके, तो अगर हम सोर्सिंग की बात करें तो सोर्सिंग प्राइमरली हम साउथ के टेंपल से करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने गुड़गांव में सेटअप किया हुआ है। तो जहां तक बात रही मार्जिन की, तो मार्जिन ग्रॉस मार्जिन लगभग 60-65% इसमें। मुझे ये बताओ, आप लोग पैसा बना रहे हो? हम लोग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में हैं। और आप लोग सैलरी देते हो अपने आप को? हम लोग अभी अपने आप को कोई सैलरी, अगर आप अपनी सैलरी लगाओ तो लॉस हो जाएगा ना? नहीं, टोटल मानूं तो हमारा जो हमने पैट निकाला हुआ है तो हम अराउंड 15% पैट पर लेके। कितना हुआ वैल्यू टर्म्स में, कितना पैसा कमा लेते हो? 7.5-8 लाख। यस। अभी तक आपकी कंपनी आप ही के नाम पे है? हाँ, किसी और को नहीं दिया हुआ कोई? नहीं, हम लोगों ने इनिशियली एक एंजल राउंड रेज किया था। क्या फंडिंग? हमने सिर्फ 1 CR का राउंड रेज किया था और 10 CR उसके लिए हमने 10 CR की वैल्यूएशन पे इसको। ये ब्रांड क्या बनाया भाई आपने, इसको प्रोटेक्ट कर पाओगे? ये तो जेनेरिक वर्ड है, मतलब हेयर ओरिजिनल्स, आप इसको ब्रांड कैसे बनाओगे? हमने एक्चुअली ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन चैलेंज हो जाएगा। ये आपका ना बहुत सही बिजनेस है, आप लोग क्रैक मार सकते हो, IIT का लोगो, फाड़ू लोगो, इसमें खाली आपकी सही टीम है, एक ना आपको ब्रांड का बंदा चाहिए। आपको लगता है या नहीं? पैसे ऑफेंड हो गए थे, तूने बोला ब्रांड ही अच्छा नहीं है। यार क्या इतना बढ़िया ब्रांड है यार? यार मुझे लाल बाल लगाने दो ना प्लीज। अरे लगा लेना, आप लगाओ यार, एक बार लगाने तो दो उनको लाल बाल, लगाने तो दो। बचपन से सपना है अमन, उनका सपना तो पूरा करने दो यार। अमन वाओ वाओ, आई लव द लुक, आई लव द लुक, आई लव इट। It's fantastic. Keep it, keep it. बहुत अच्छे, मुझे feel हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो मैं और विनीता आपको ऑफर देना चाहते हैं। हमें लगता है कि आपकी जो पुरानी वैल्यूएशन थी वो ठीक है, तो हम भी उसी वैल्यूएशन पे आना चाहते हैं। हाँ बोल दीजिए ना, कितना परसेंटेज है? 60 लाख रुपए फॉर 10 करोड़ वैल्यूएशन, तो वो बनता है 6% 60 लाख रुपए 5% 3% तीन शाख्स है। पीयूष मैं और आपको अनुपम, कोई नहीं चाहिए। और आपको ये जो टेक्नोलॉजी वाला एंगल है, सुनो आपको आता है ना, बना लोगे ना, तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में ब्रांड बनाएंगे और D2C में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसको हम BNPL पे बेचेंगे, बाल लाओ पे लेटर। आपका कंज्यूमर 25 साल की लड़की, मेरा कंज्यूमर कौन है? एग्जैक्ट सेम। और मेरे को अपने बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं जितेंद्र, मैं तेरे देख, तू जितेंद्र सुन, आपको मेंटर की जरूरत, एक मिनट रुक जा जितेंद्र, तू स्मार्ट लड़का है, देख अब तेरे को ही पता है वैलिडेशन जरूरी होती है। तू यहाँ पे आया, तेरे को 5 जज से वैलिडेशन मिल गई, ठीक है, TV पे वैलिडेशन मिल गई, तो अब तो कुछ सवाल बचा नहीं ना, ब्रांडिंग तो हो गई ना। आपको ये बोलता हूँ, आपके पास दो ऑफर है, एक ऑफर है, हाँ। 3 शार्क है यहाँ, यू नो अनुपम, पीयूष और अश्नीर भाई, 5% के लिए 60 लाख। दूसरी तरफ है विनीता और मैं, सेम ऑफर 60 लाख रुपए 6%। अब आप काउंटर ऑफर दोगे, बाहर जाके डिस्कस करो और आओ और सोचो आपके लिए कौन सबसे ज्यादा यूजफुल है यहाँ, जाओ। ए विनीता, जाने मत जाना, ले लेंगे, लड़ लेंगे, ठीक है, वो वापस आने, अगर जाना पड़े तो लड़ लेंगे, ठीक है, ठीक। 4 कहेंगे मानेंगे ना, 3 कहेंगे तो एकदम डेड हो जाएंगे, 4 कहेंगे, 4 कहेंगे तो कितना हो जाएगा, पर ये 3 आपस में कैसे लड़ेंगे? अच्छा बच्चू, अभी कल तक तो विनीता से बहुत लड़ रहे थे तुम। अरे उसको तो पता है, तुमसे डील नहीं करूंगा मैं। अच्छा विनीता जो डील करेगी उसको तोड़ दो, अभी सब बदल गया। All right, guys. Woo-hoo!
क्या सोचा तो भाई? क्या सोचा, ब्रांड बनाना है कि क्या? कुछ नहीं करना अश्नीर एंड आप लोगों से आप क्या आप लोग हम काउंटर ऑफर करें 4% बिल्कुल के साथ विनीता और मेरा काउंटर हम लोग दोनों 4% पे आते हैं बोल हाँ या ना डील एक साइड है मैं यार विनीता नहीं ले रहा तो विनीता आप लोग क्या दोनों अपना कुछ जैसे आप काउंटर ऑफर दे रहे थे आप बता मैं और विनीता बोल भाई उसको काउंटर उसका काउंटर को सुन रहा है ना मैं और विनीता 4% ऐसे नहीं होता है बंदूक रख के थोड़ा वो उसको रिस्पेक्ट इज्जत तो दो यार वो कोई जो इन्वेस्टर आपको इज्जत नहीं देता उससे आप डील करोगे क्या कमाल है एक सेकंड आप अपना काउंटर ऑफर करिए पहले जो अब ओरिजिनल बात थी मैं और विनीता 4% क्या अश्नीर अनुपम पीयूष 4% का काउंटर ऑफर आप भी एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्टेड डन साइलेंस अमन साइलेंस इज गोल्डन अरे बच गए पैसे बाल 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 बच गए हमारे पैसे अभी मैं आपके बाल वापस नहीं कर रही पर मैं घर लेके जा रही हूँ फोटो ले लेते हैं फिर अमन के ब्रांड से भी डील लेकर लेंगे थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक यू मैं विनीता जब जब आपके साथ आया हूं ना मैं हारा मेरा नाम आदिति है Hello. और मैं essentially happy marketing की founder हूँ मैं 44 साल की हूँ और मैं मुंबई और दुबई की रहने वाली हूँ हमने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्री टॉयलेट स्प्रे टॉयलेट करने से पहले इस्तेमाल किया जाता है जैसे अभी आप टॉयलेट करने के बाद एयर फ्रेशनर्स एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं इस उम्मीद से कि जो बदबू फैल गई है वो मिट जाएगी लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बदबूदार टॉयलेट छोड़ना एम्बैरेसिंग होता है और पकड़े जाना डेवेस्टेटिंग होता है इंट्रोड्यूसिंग पूडे कलोन इसमें है 100% प्योर एसेंशियल ऑयल्स पूडे कलोन को टॉयलेट करने से पहले आप टॉयलेट बोल के पानी में अच्छे से 5-6 बार स्प्रे कर दीजिए इसके एसेंशियल ऑयल्स पानी की तह पर एक परत बना देते हैं ये परत जो बदबूदार गैसेस होते हैं उनको नीचे ही लॉक कर देता है हवा में फैलने नहीं देता आपका खुद का अनुभव तबेले से लेके बगीचे तक 5-6 स्प्रेज में और आपको मिलता है सुगंधित टॉयलेट छोड़ने का कॉन्फिडेंस पूडे कलोन सिर्फ घरों की टॉयलेट की शान नहीं है ये रेस्टोरेंट्स कैफेज मॉल्स कोवर्किंग स्पेसेस को लिविंग स्पेसेस में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए ट्रैवल में भी जरूरी है हनीमूनर्स के लिए तो मस्त है हमारे करंटली 5 वेरिएंट्स हैं हमारा फ्लोरल वेरिएंट है पूपसी डेजी हमारा मिंटी वेरिएंट है पूपसा लॉट मास्कपू है हमारा वुडी वेरिएंट हमारा पाइन वेरिएंट है पूप एसेंशियल और हमारा सिट्रस है पूपराजी लव द नेम्स पूडे कलोन को विश्व का सबसे ज्यादा प्री टॉयलेट स्प्रे किए जाने वाला प्री टॉयलेट स्प्रे बनाने के लिए मैं पहले तो चाहती हूँ आपकी मेंटोरशिप एंड 75 लाख फॉर 5% ऑफ माय कंपनी शेयर्स तो क्या आप तैयार हैं पूडे कलोन को नंबर 2 की प्रॉब्लम का नंबर 1 सॉल्यूशन बनाने के लिए अमेजिंग Great pitch. Very good presentation, Aditi. Product में बाद में आएंगे आप पहले बताइए ये मुंबई दुबई की जर्नी में आपको ये टॉयलेट सीट कहाँ मिल गई ये प्रोडक्ट का मैंने अनुभव किया था यूरोप में मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में हमेशा काम किया है तो हमेशा ऐसा मन था कि मैं ब्रांड अपना लॉन्च करूँ और जब ये प्रोडक्ट का अनुभव हुआ तो मुझे लगा ये इंडिया को तो जरूरी है
क्योंकि बहुत ज्यादा हेविली टॉयलेट शेयरिंग मार्केट है। कब शुरू किया आपने ये काम? ये लॉन्च हुआ है फरवरी ऑफ 2021। अभी बस हाल ही में किया है आपने? हाँ जी। अरे वाह, ये नाम वगैरह कहाँ से आते हैं? ये आपकी सोच है कि कोई साथ में आपके लग के काम कर रहा है? मैं और मेरी बेटी कहते हैं मेंस रेंज शुड बी सुपरमैन। अरे वाह, क्या उम्र है आपकी बेटी? She's 12। अच्छा, तो रोज सुबह हमें जाने से पहले ये करना पड़ेगा ऑपरेशन और फिर जाएंगे, ऐसा होता है? हाँ जी, स्पेशली अगर आप टॉयलेट शेयर कर रहे हैं या आप होटल में और टॉयलेट छोटा है, वेंटिलेशन नहीं है और घरों में भी आपके गेस्ट आते हैं उनको यूज करना होता है, तो सारे कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। और रात को बिरयानी खाई तो फिर तो जरूर बिरयानी खाई। इंडियन फूड वैसे भी बहुत फ्लेवरफुल होता है लेकिन बहुत एरोमेटिक्स यूज होते हैं और वो सच है। सुमेर को ये वाला प्रोडक्ट मैंने US में देखा हुआ है। हाँ जी। मेरे को लगा अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ जी। प्रॉब्लम है ना इसमें कि जैसे अमन ने बोला इसको हर बार आपको यूज करना पड़ेगा, तो मैं उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये आया था अगर आप इसका एक वर्जन निकालो जो कि WC में ही लग जाए और फ्लश के साथ ही आके लेयर बना ले, तो isn't that a better product as against मैं हर बार इसको स्प्रे करूं? हाँ जी, तो इसमें behavioral change चाहिए। तो इसमें एक स्प्रेइंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है वो लेयर बनाने के लिए। इसका एक सोल्यूशन है जो मेरा नेक्स्ट लेवल का सोल्यूशन था कि एक बॉक्स बनता है जो साइड में लग जाता है, वो सेंसर से होता है, तो अगर आप यूरिनेट कर रहे हैं आपको सेंसर पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आप सेंसर पे हाथ लगाइए, स्प्रे हो जाता है। तो एक मैकेनिक वैसा भी है लेकिन वो लेवल 2 है। आपने जब ये आइडिया आने के बाद एग्जीक्यूशन किसी कैटेगरी में घुस के करना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब किसी भी नई चीज को ढूंढना, सप्लायर ढूंढना, ये करना वो करना, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। पर ये ना बिजनेस नहीं है मेरे व्यू से, एक लेवल के बाद ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, थोड़ा गिमिकी होगा, तो मैं इस बिजनेस से आउट हूं। ये जो होता है ना कि US में चल रहा है इंडिया में चल जाएगा, वो अक्सर काम नहीं करता है क्योंकि इंडियन कंज्यूमर की सोच से बिजनेस को देखना पड़ता है, एंड प्रोडक्ट्स यूनिक बनते हैं जो बहुत बड़े बनते हैं, इसलिए इस पॉइंट पे तो मैं इससे बाहर हूँ। आपके आंकड़े क्या है, सेल्स कितनी है, कहां अभी से होती है? अगर मैं कोरोना के 3 महीने निकालूं तो अभी तक हमने 4.5 लाख की सेल्स करी है। पिछले महीने कितनी किया आपने? एवरेज 75,000 तक का चल रहा है। और कहां बेचती हैं आप? अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ट्रेल पे। ट्रेल में तो मैं इन्वेस्टर हूं। हां जी, ट्रेल में पता चल जाए। ग्रोथ क्या है आपकी मंथ ऑन मंथ? मंथ ऑन मंथ एक्चुअली अलग अलग चीजें अभी ट्राई कर रहे हैं, तो कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो वो थोड़ा भी मॉनिटर करना है। और ग्रॉस मार्जिन क्या है? 65 रुपीस में बनता है और 555 में बिकता है। वाओ, और कितने टाइम लास्ट करता है? एक बॉटल 400 स्पेस है, सो 80 टाइम्स यूसेज की है, तो फैमिली ऑफ 3 का 1 महीना निकल जा सकता है। 1 महीना 500 रुपए, 550, इससे आधे में तो फोन का कनेक्शन मिल जाता है। लोग ले रहे हैं, आपको सरप्राइजिंग होगा, मुझे भी लगा कि मेट्रो में चलेगा ज़्यादा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो Tier 1, Tier 2 टाउन से भी इक्वल डिमांड है और रिपीट परचेसें वहाँ से आती हैं। ठीक है, थैंक यू, मैं कुछ सोचता हूँ। चलो, मैंने भी डिसीजन बना लिया है, मैं भी बाहर हूँ और आपको परस्यू करना चाहिए, बट मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है कैटेगरी। मेरा डिसीजन भी है कि मैं इससे बाहर हूँ, अगर आप इसका कुछ और वर्जन निकालते तो मैं इंटरेस्टेड होता, जो ऑटोमेटेड वाला वर्जन था, बट नॉट विद दिस, सो आई एम आउट। व्हाइल आई एम इंटरेस्टेड, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, थोड़ा और प्रूफ करना पड़ेगा, फिर फंडिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आज आउट हूँ, बट आई विश यू द बेस्ट, आई थिंक यू विल डू वेल। थैंक यू। भाई क्या हुआ? दिख नहीं रहा क्या? पेट में भयंकर दर्द है यार। तू ये सब चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब खाएगा तो ऐसा ही होगा ना? या देख, सुना मत, कुछ सोल्यूशन है तो बता।
रुक। एक्टिंग तो अच्छी। ये ले, पपीता खा। इसे ऐसे ही खाऊं? इसे काटेगा छीलेगा कौन? घबराओ नहीं दोस्तों, फलहारी है ना, फलहारी भारत का सबसे बड़ा फ्रेश फ्रूट्स ब्रांड है। फलहारी से तुम ऑर्डर कर सकते हो 200 से ज्यादा फ्रूट सैलड्स, जूसेस, लस्सी, योगर्ट और भी बहुत कुछ, और 45 मिनट में तुम्हारे घर पर डिलीवर भी हो जाएगा। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है गुलशन। मेरा नाम है राहुल। और मेरा नाम है ध्रुव। और हम हैं टीम फलहारी। और आज शार्क्स हम आपसे अपनी कंपनी का 2% 50 लाख रुपए में ऑफर करना चाहते हैं। वेलकम टू शार्क टैंक। तो आप तीनों भाई हैं, दोस्त हैं, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? हम लोग दोस्त हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है 2013 में। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन किया IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद 2 साल मैंने मैकेंजी में काम किया। 2013 से मैं और गुलशन हम लोग साथ में रहते थे गुड़गांव में, और गुलशन अपने एक दूसरे स्टार्टअप पे काम कर रहा था जो कि एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था, फीस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 2 साल बाद हमें समझ में आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो और जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो फलहारी की इस तरीके से स्थापना हुई। राहुल मेरा IIT बॉम्बे का बैचमेट था। हम लोग I did BTech। मैंने अपना BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया 2012 में। उसके बाद मैंने IIM बैंगलोर से अपना MBA किया 2013-15 में। और उसके बाद से मैं स्ट्रेटजी कंसल्टिंग कर रहा था दुबई में। फिर राहुल से बात करते हुए, जो कि मेरा इंजीनियरिंग का बहुत प्यारा दोस्त है, और गुलशन से कनेक्ट आते हुए मैंने फलहारी के साथ जुड़ना शुरू किया। मैं पहला इन्वेस्टर बना फलहारी का 2020 में। और उसके बाद अभी इस पूरे साल हम फलहारी को ग्रो कर रहे हैं गुड़गांव के 1-2 सेंटर से पूरे देश की बाकी सिटीज़ में। तो मैंने ग्रोथ इंचार्ज की तरह ज्वाइन किया और इस साल हम इसको बढ़ा रहे हैं तीनों लोग मिलकर। ये प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई करना चाहेंगे हम लोग? फल तो हम बहुत ट्राई कर चुके हैं। एक प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट। चलो ठीक है, चलो कराओ कराओ। एक बात बताइए, आप गुलशन जी, आप CEO हैं कंपनी के या राहुल CEO हैं? मैं फाउंडर एंड CEO हूं। चलो यार जूस पिला दो यार। फलहारी क्या कोशिश कर रहा है कि 25 जो भी सीजनल एग्जॉटिक प्रीमियम फ्रूट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, वो कस्टमाइज्ड फॉर्म में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को अभी ये पहले ही समझाओ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व क्या कर रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्योंकि मेरे को भी फ्रूट चाहिए होते हैं। जैसे मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, मुझे चाहिए तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑफिस। मैं बिजनेस मॉडल समझना चाहता हूँ। नीचे ठेले वाले से ले आओ। नहीं, मैं नहीं, ऑफिस में कौन लाता है ठेले वाले से और कौन काटेगा ऑफिस में? वापस आते हैं यार, मैं 35 करोड़ रुपए महीने का फ्रूट बेचता था ग्रोफर्स में जी। कोई फ्रूट के बारे में नहीं सोचता। मैं फ्रूट के बारे में सोचता हूँ। प्रॉब्लम है ऑफिस में, शाम को मुझे फ्रूट्स चाहिए और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताइए, वहाँ बात मत करिए। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ये बताओ आपके नंबर्स क्या, आपने क्या किया है और क्यों कर रहे हो? बस फ्रेश फ्रूट्स के अराउंड, ठीक है, अभी तक मार्केट में कोई ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है, जानना चाहूंगा। दिल्ली में एक है, मेरे को नाम नहीं आता ना, उससे मैं फ्रूट्स लेता था, लेकिन आजकल उसके ऐड नहीं आते। तो मेरे को ये लग रहा है ये लॉस तो नहीं हो रहा है इस बिजनेस से। तो आप प्रॉब्लम समझा रहे थे ना, फ्रेश फ्रूट्स का कोई ब्रांड नहीं है। तो आगे बताएं। अब ऐसा है, अच्छा सुन, फ्रूट स्मिथ याद आ गया नाम मुझे, फ्रूट स्मिथ करता है वो काम। सर फ्रूट स्मिथ जो है वो होल फ्रूट्स और मतलब उसमें डील करता है। अगर वो फ्रूट लेके काट लूंगा तो वो भी तो फ्रूट स्मिथ, वो मैं खुद भी तो काट सकता हूँ। आप सर डेली सुबह उठ के 400 ग्राम फल खाते हो? जिसको खाना होता है वो खा लेता है, जिसको नहीं खाना है आप नहीं खिला पाओ। तो आप आउट हो जाओ ना, हम आराम से बात कर लेंगे। अरे हो जाऊंगा यार मैं, तुमको क्या जल्दी है। आपका स्केल क्या है? लास्ट मंथ हम लोगों ने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। ओहो, उसके पिछले महीने 17। बहुत कम। और तो एक शेयर में आप 5 लाख का कर रहे हैं रफली। चलो यार 6-7-8-10 पे, इसमें 20 लाख में से मार्जिन प्रॉफिट कितना बचता है तुमको? प्रॉफिट नहीं है ना, प्रॉफिट 25% हम लोग का मार्जिन है। माल खरीद के लाके अपने आप पे रखा और फिर से उठा लिया वो माल, उसमें 5% वेस्टेज होती है। फ्रूट का पील का वेस्ट अलग है, मतलब जो खराब होने का बात नहीं कर रहा, खराब होने का। यस, मैं दो बात कहता हूँ। फर्स्टली ब्रांड इसमें बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फ्रूट्स का बिजनेस है,
तो वो वाला डिफरेंशिएटर तो आपका बनने वाला नहीं है। चलो ब्रांड नहीं बन सकता है, ना बने। शायद आप में ऐसी बात हो जो आपने टेक्नोलॉजी यूज करके सप्लाई चेन को ऐसा तोड़ दिया yes. कि आप सबसे कम दाम में फ्रूट बेच सकते हो, वो बात है तो समझाओ। सर मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग हैं क्या और हम बेच क्या रहे हैं ना। ठीक है चलिए, हम दो मिनट कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। ओके, दो मिनट, दो हाँ। मिनट हम कुछ हाँ, दो मिनट आपके टाइम स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट फ्रूट सेलर। हमारा 95% से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है जो इनोवेशन हमने हमारी रेसिपीज में किया है, हमारे जूसेस, हेल्थ ड्रिंक्स और हमारे हेल्थ ओरिएंटेड फ्रूट क्लिनिक प्रोडक्ट्स। चार मेन इनोवेशन हमने किए हैं। फर्स्ट, प्रोक्योरमेंट। एक प्रोडक्ट जो है उसको हम अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं कि कच्चा है तो सैलेड में यूज होता है, थोड़ा पका तो जूस में, गलने लग गया तो ब्लेंड हो जाएगा। तो इंडिया में कोई भी ब्रांड अगर केवल स्मूथी की बनाएगा, केवल फ्रेश फ्रूट की बनाएगा और केवल जूसेस की बनाएगा तो 40-50% वेस्टेज होगा। अनटिल एंड अनलेस एक बंदा फ्रूट की ब्रांड अक्रॉस, वो फ्रूट जैसे उसकी एज हो रही है, जैसे वो गलता और बढ़ता जा रहा है, वहां वहां वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, वो वेस्टेज 5% पे नहीं ला पाएगा। जो सर की एकदम बात थी कि आप वेस्टेज 5% ला ही नहीं सकते हो, तो ये हमने प्रोक्योरमेंट साइड में क्रैक किया है। सेकेंड, हमारा इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट का जो टेस्ट है ये ओवर 6 years विद लॉट ऑफ इनोवेशन हमने मैनेज किया है। रेट एट विच वी गेट रिपीट कस्टमर इज सरप्राइजिंग। 70% ऑफ डेली कस्टमर रिपीट कस्टमर होता है। सो जो स्टिकीनेस है उसके कारण हम कोविड की वेव या किसी भी तरह का डिसरप्शन सर्वाइव कर पाए। राहुल ने पर्टिकुलरली टेक पे इतना एडवांस काम किया है। हमारे पास दो चीजें जो फ्रूट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली क्रैक्ड है। वन, फ्रूट इज अ मैटर ऑफ वेरिंग प्राइजेस। हमारा जो प्राइसिंग जोमेटो स्विगी पे वो डायनामिकली ऐसे चेंज होता है कि डिस्काउंट ऐसे रन होते हैं जो फ्रूट सड़ने वाला है वो पहले बिकते हैं। दूसरी चीज जो फ्रूट की प्रॉब्लम है इज अ मैटर ऑफ चॉइस। मुझे 25 डिफरेंट फ्रूट्स चाहिए, मुझे एक्जोटिक फ्रूट्स चाहिए, मुझे ड्रैगन फ्रूट खाना है और मुझे 2 slices ऑफ कीवी खाना है, ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो कस्टमर की इन चॉइसेस के अलावा हमारा एक कंप्लीट टेक है जो ये डिटेक्ट करता है कि आप सर आप वाटरमेलन रोज खाते हैं, आप सब्सक्राइबर क्यों नहीं बन जाते हैं? मैडम आप हर सैटरडे एक फास्ट करते हो जिसमें आप एक चीज खाती हैं, हम आपको एक फास्टिंग स्पेशल देते हैं एज अ सब्सक्राइबर एज अ डिस्काउंट। जैसे ही उसका रिपीट रेट आगे बढ़ता है उसको हम धीरे धीरे सब्सक्राइबर की तरफ मूव करके अपना डायरेक्ट कस्टमर बनाते हैं। एंड इस मॉडल पे, इस जर्नी पे हम अपने टेक के थ्रू वर्क कर रहे हैं। चलो सेल्स पिच तो बहुत अच्छी है। आप जो है ना, आप सीईओ छोड़ दो, इन्हें बना दो। इन्होंने वो जो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग था ना, जो प्यार का पंचनामा है, वैसे दिया है। वेरी गुड, अब मैं इंप्रेस हुआ। ध्रुव, पैसा आपने डाला ना, इसीलिए आप इतना भाषण दे गए। कितना पैसा डाला आपने? मैंने बस 5 lakh rupees डाले सर। बर्न रेट कितना है? 5% बर्न है। महीने का कितना? महीने का 1 lakh to 1.5 lakh rupees। अपनी सैलरी नहीं लगाते? अपनी सैलरी इंक्लूड कर ली हम लोगों ने एक्सपेंसेस में। कितना लेते हैं? 50,000 rupees। देखिए ये लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं। मुझे आप लोग ऑब्वियसली में इंटरेस्ट है एज एंटरप्रेन्योर्स एंड मार्केट की प्रॉब्लम है कि लोग फल खाने हैं पर नहीं है, पर आपका जो मॉडल है और अभी तक स्केल है वो बकवास है। तो ये है सिचुएशन करंटली, तो इसलिए है ही नहीं इसके बेसिस पे, बिकॉज आपका बिजनेस का स्केल नहीं है। मैं सोच रही थी मैं आपको 50 lakh दूंगी 10% के लिए, पर मैं अभी यू नो ये देख के कि यहाँ पे अलग इंटरेस्ट भी आने वाला है, मैं उसको 8% ऑफर करती हूँ आपको, 50 lakh rupees फॉर 8%। आपने ऑफर कर दिया? Yeah. Well done, very good offer, boss. बस अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ एक ऑफर के बाद। बस बंद कर दे। अगर तू ITO के बाहर एक फ्रूट का ठेला खोलता और फ्रूट जूस की दुकान खोलता, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, तो उससे ज्यादा धंधा करता पता है? तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ये धंधा है ही नहीं। है हम कुछ पागल नहीं है। नहीं भाई, मेरे को खत्म करने दे, अभी कुछ नहीं है धंधा। अब मेरे को एक बात बता, तू मैकिंजी में काम कर रहा था यार, तू कुछ भी प्रॉब्लम उठा लेगा ना, तू किसी स्टार्टअप भी ज्वाइन कर लेना, आज करोड़ों में कमाएगा साल का। तू क्या कर रहा है यार? सही कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल आउट ही हूँ। और मैं कह रहा हूँ तेरे को अगर यहाँ से कुछ भी मिले ना, मत लियो, बंद कर दे धंधा। मेरे को लगता नहीं आपका फल का बिजनेस है, आपका फूल का बिजनेस है। करेक्ट, आप अपने आप को फूल बना रहे हो। करेक्ट, थोड़ा ऊंचे से देखो, इसमें धंधा आपको दिखेगा नहीं स्केलेबल, इस वजह से मैं आउट। आई विश यू द बेस्ट। चलो मैंने भी डिसीजन बना लिया है, मैं इससे बाहर हूँ। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा आप में से CEO कौन है। मैं CEO हूँ। क्योंकि आप CEO पर आप सेल वो कर रहे हैं, इन्वेस्टर के सामने वो बैठेंगे, आप बैठेंगे, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। सही फीडबैक है। आप तीनों का स्टेक कितना है? 75% है मेरा। आपका 75 है?
15 राहुल का है। मैं इसलिए बाहर हूँ बिल्कुल। आपका 10 है। 1.5 आपका 1.5% मेरा 1.5% person sells has the best pitch is the even a bigger problem। एक इम्पोर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, तीन बंदे तुम जीरो पे खड़े हो और तुम अभी से डिसाइड कर रहे हो ये मेरे से 25 गुना बेटर है, ये मेरे से 5 गुना बेटर है और मैं इसको 75% इक्विटी दे दूंगा। मेरे को मैच ही नहीं समझ आई। आप क्यों देर नहीं दे रहे हो इनको इक्विटी? सीरियसली कैसे कोई 1.5% के लिए अपनी लाइफ क्यों देगा इसे? तुम यार इनमें फूट करा दोगे। फूट होनी चाहिए, ये तो इसके बाहर जाके लड़ने चाहिए। आप ये बात कर रहे हैं इक्विटी की, कोई ग्रीड नहीं है सर? क्या ग्रीड नहीं है, सबसे ज्यादा ग्रीड करके सर ये अभी ज्वाइन सर आप अभी, ना अभी, तूने अभी क्या उखाड़ लिया अभी तक? क्या अब जीरो ही है ना धंधा यार? 20 लाख बहुत कम सेल है इस बिजनेस में, बहुत कम। पर आपने मतलब, तो ऑफर दी हुई है। हाँ मैंने दी हुई है, पर ये ऑफर है सब्जेक्ट टू आप इनको एटलीस्ट 15% इक्विटी तो देंगे। अब तुम खाली विनीता से और मेरे से बात करना। मेरा ना चेक रेडी था जब मुझे पता लगा कि आपका 1.5% इक्विटी है। मेरे को ना सडनली चक्कर आ गया कि भाई आप चीज क्या हो सर। ये जो परसेंटेज इक्विटी है ये इसलिए नहीं है कि मेरा क्या फाउंडिंग रोल है और क्या एम्प्लॉई और ये वो, मेरा 1.5% है जो मैंने 5 लाख से खरीदा है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि 90% इक्विटी हम फाउंडर्स के पास है, हमने केवल 10% डाइल्यूट की है, हमने 1 करोड़ ऑलरेडी रेस किया है उस 10% के साथ और अब 90% हमारे पास है। पहले क्यों नहीं बताया, कहां से किया? जनवरी 2020 में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी की रेस हुई थी हमारी 5 CR वैल्यूएशन के ऊपर। सर हमने 20 लाख रुपए रेस करे थे, तब ध्रुव ने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे उसी राउंड में। फिर उसके बाद में अक्टूबर लास्ट ईयर हमने वापस से इन्वेस्टमेंट रेस करी 10 CR पे, 17.6 लाख रेस किया। फिर उसके बाद में हमने मार्च 2021 के अंदर रेस करा 31.4, हमने वैल्यूएशन पे रेस करा ये 10 CR के ऊपर अगेन। फिर हमने अगस्त के अंदर इन्वेस्टमेंट रेस करा 25 CR की वैल्यूएशन पे 31 लाख। आपके इन्वेस्टर्स कैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं आपकी? तो ये आपका आज तक का सबसे बड़ा राउंड शार्क टैंक पे ही होने वाला है आप कह रहे हो? वो अभी चला गया यार। मैं बता देता हूँ, मैं आउट हूँ। मेरी कंडीशनल ऑफर है अभी, आप सोच के मुझे बता दो। ठीक है हम एक बार बात करते हैं प्लीज। क्या हो गया भाई आपको? ऑफर तो मिला। अरे मुझे कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो अच्छे से अच्छा एंटरप्रेनर जो खुद ना बेच पाए ना अपना बिजनेस, हाँ। उसका बिजनेस कभी बना ही नहीं। एग्जैक्टली हाँ जी बताइए। बोलिए सीईओ साहब। नहीं। Okay. I understand where you're coming from. Best of luck. ये please आप जो fruit वाली problem है मेरे जैसे lazy लोगों के लिए large scale पे solve करो। कोई problem solve मत करो, नई problem ढूंढो। नहीं ये problem solve करने के लिए। तुम खत्म होने वाले हो। मेरे को ना खून खोल रहा है कि तुमने 3 डिग्रियां waste करी हैं। नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। Thank you. आज हमें डील नहीं मिली तो हम डिसअपॉइंटेड हैं ज़रूर, पर इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इस एक्सपीरियंस से सीखकर हम आगे अपने बिजनेस में वो लर्निंग्स इन्वेस्ट करेंगे, अपने और एफर्ट्स बढ़ाएंगे और लेट्स होप कि हमारे लिए और चीज़ें बेटर हों इस एक्सपीरियंस के बाद।